मौलाया सल्ली व सल्लम दाई मन। صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين كالساعي في سبيل الله رواه البخاري ومسلم او كما قال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب سلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بنا وحده दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई खासियत होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है। अगर वो चीज़ उसमें ना पाई जाए तो फिर उस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप इसकी खसूसियत गर्म होना है। अब अगर कोई चीज़ गर्म नहीं है, ठंडी है, तो उसको आग नहीं कहा जाएगा। बर्फ़ इसकी खसूसियत ठंडा होना है। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो उसको बर्फ़ नहीं कहा जाएगा। लोहा इसकी खसूसियत और ख़ासियत सख्त होना है, हार्ड होना है बहुत। अगर कोई चीज़ मुलायम हो, मोड़ने से मुड़ जाए तो उसको लोहा नहीं कहा जाए। रेशम की खासियत नरम होना है, मुलायम होना है। तो अगर कोई चीज़ सख्त होगी तो उसको रेशम नहीं कहें, खालिस रेशम नहीं कहलाए। अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारी बात कही रेशम पर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आ गया। अल्लामा इकबाल ईमान वाले के बारे में कहते हैं, हो हल्के यारा तो रेशम की तरह नरम। कि ईमान वाला जब अपने दोस्तों और यारों के हल्के में होता है, वहाँ बैठा होता है, तो वो रेशम की तरह नरम होता है। उसको कहीं से घुमा लो, कहीं बैठा लो, कहीं उठा लो, उसके अंदर सख्ती नहीं होती है। जब दोस्तों के दरमियान होता है, रस में हक व बातिल हो तो तलवार है मुसलमान। जब बातिल और सामने दुश्मन से मुकाबला हो तो फिर वो तलवार बन जाता है। बहरहाल तो हर चीज़ की खासियत होती है। अगर शरीयत का कंक्लूजन किया जाए, पूरा उसका एक खुलासा निकाला जाए, तो ईमान वाले की तीन बड़ी खसूसियात है। अगर ये तीन उसके अंदर एक साथ नहीं पाई जाती तो फिर आप ये याद रखिए कि वो ईमान वाला मुकम्मल ईमान वाला नहीं है। ईमान वाले की सबसे पहली खासियत है कि उसका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो। ये पहली खासियत है। दूसरी खासियत ये है कि वो सुन्नत रसूल यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लबरेज हो, खरा हुआ हो। और तीसरी उसकी खासियत ये है कि वो मुसलमान होने से ऊपर उठकर
पूरी इंसानियत और मानवता की खिदमत का जज्बा अपने दिल के अंदर रखता हो। ये तीन बड़ी खसूसियात है ईमान वाले की। आज हमें जिस मौजू पर बात करनी है वो मौजू है खिदमत खल्क, जिसको महज़्ज़ब ज़मान में कहा जाता है सोशल वर्क, जिसको हमारे हिंदी ज़मान में कहा जाता है कि सामाजिक कार्य। आज इस पर बात करनी। दुनिया में मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ आप, इसको आप गहरा मान लीजिए। और पूरी दुनिया में इस्लाम पर जो एतराज़ात होते हैं, आप इस बात को जहन में रखिए, और अगर एतराज़ करने वाला भी समझ ले तो वो एतराज़ नहीं करेगा, और आप अगर इसको समझ लें तो आप उसके एतराज़ से डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। पूरी शरीयत का खुलासा एक लफ्ज में ये है कि शरीयत नाम है अदल का। फिर इंशाल्लाह किसी दिन इस पर तफसील से बात होगी। अदल का नाम शरीयत है, अदल। शायद मैंने कभी मिसाल दी हो इसकी। अदल कहा जाता है दरमियानी चीज को, दरमियान। जैसे एक आदमी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला है, उसके पास पैसे ही नहीं बचता, वो पैसा नहीं सेव कर पाता कि वो यार बाज है, वो महफिलों में बैठता है तो फिर वो अपने हाथ को रोक नहीं पाता कि चाहे चाय भी मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक भी मंगाओ और चिकन चंगेजी भी मंगाओ, फलन वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है। और एक आदमी है बेचारा, वो जिसको हमारे जमान में कहते कंजूस और बदकंजूस, वो ऐसा है कि वो खर्च ही नहीं करता। शरीयत इन दोनों को नापसंद करती है। ज्यादा खर्च करने वाले के बारे में शरीयत ने कहा इन्नल मुबज़िरीन कानू इख्वान अश्शयातीन, फजूल खर्ची में पैसा उड़ाने वाले ये शैतान के भाई हैं। और जो कंजूस है उसके बारे में फरमाया कि जो कंजूस होगा, जिसको पैसा बचाने की, खर्च करने में जान निकलती होगी, उसके बारे में कहा कि ऐसा आदमी अल्लाह से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब है। अजीब बात फरमाई, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर। कंजूस आदमी के पास कभी आदमी जमा नहीं होते, आप देख लीजिएगा। जो आदमी सहावत रखता होगा वो लोगों को जोड़ लेता है। इसीलिए पूरी कायनात के सबसे सही इंसान सरवर आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए उनसे जितने लोग जुड़े हैं, इतनी पूरी तारीख में किसी से नहीं जुड़े। तो सहाबत अगर बहुत ज्यादा हो जाए फजूल खर्ची हो जाए, कंजूसी हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं सारी जिंदगी हमारे करोजा की हम सेहत सेहत के रखते हैं। एक ऐसे हमारे मिलने वाले हैं, ताल्लुक वाले हैं, उनको इसी तरह पैसा बचाने की आदत है। तो पैसा बचा बचा के अकाउंट में जमा कर रखा। तो एक दिन मैं उनके साथ बैंक गया तो मैंने देखा उनका तो अकाउंट बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनके घर पर इसी तरह से बात पहुंचवाई कि अहलिया तक के उनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा है, तो कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी बड़ी समझदार कहने लगी कि जमा कर ले लो, काम तो हमारे ही आना है भाई। इन दोनों को शरीयत नापसंद करती है। शरीयत क्या चाहती है? ना कंजूस बनो, ना फजूल खर्च बनो, दरमियानी रास्ते में खर्च करो। इसी का नाम अदल है। पूरी दुनिया में जब जब इस्लाम पर एतराज हुआ है और जो एतराज करने वाले हैं वो या तो इस कोने पर खड़े होकर एतराज करते या इस कोने पर खड़े होकर एतराज करते। जैसे हमारे यहाँ एक एतराज हुआ था कि आप लोग अखबार पढ़ते में इशारा करना बहुत हल्का सा, एक एतराज हुआ था कि हाजी अली साहब की दरगाह पर औरतों को जाने से क्यों रोका गया, इसके खिलाफ रिट दायर की कुछ मुसलमान औरतों ने। तो फैसला यह आया कि नहीं, वहां पर जाने से रोका नहीं जाएगा, मर्द और औरत सब जाएंगे।
बड़ा इतराजात हुए इस पर, बड़ी मेहनत हुई। बस यही बात तो है कि इस्लाम या मुसलमान ये औरत को मर्द के बराबर नहीं समझते। फितरत ने कहती है कि मर्द और औरत बराबर हो ही नहीं सकते। आप अकल लगाकर सोचिए। सिर्फ मैं कोई लंबी बात इस पे नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि औरत की बनावट और औरत की साख जो उसका गोया कि पूरा स्ट्रक्चर है और मर्द का स्ट्रक्चर, यह खुद बयान करता है कि मर्द और औरत पर जमीन आसमान का फर्क है। औरत इसलिए पैदा नहीं हुई कि वो ये सब काम करे, और इसलिए पैदा हुई है कि घर में रहकर बच्चों की गलतियों को घर को संभाले। तो एतराज करने वाला जब एतराज करेगा तो बुनियाद ये होगी, वहां जाने से क्यों मना किया, औरत इसलिए नहीं है मेरे भाई। औरत तुम लफ्ज बोल रहे औरत, अरबी जबान गलत है। वो चीज जिसको छुपाया जाए, वो चीज जिसको छुपा कर रखा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा अरबी जबान में आदमी की नाक से लेकर घुटने तक इस लफ्ज को कहा जाता है सतर, और अरबी जबान में कहा जाता है सतर औरत, छुपाने की जगह। तो ये हिस्सा छुपाने के लिए है, ये लोगों के सामने जाहिर करने के लिए। कोई आदमी नंगा आ जाए, कुछ लोग नंगे भी फिरते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग नंगे भी फिरते हैं, उसी को बुजुर्ग ही समझते हो। हम बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम नंगे रहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह तआला कुरान में फरमाता है या बनी आदम कद अनज़लना अलैकुम लिबासा, तो ए आदम की औलाद हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। और लिबास भी ऐसा जो बेहतरीन खूबसूरत लिबास है, उसको इख्तियार करो। तो ये चीज छुपाने की होती है, तो औरत छुपाने की चीज है। जितना इसको छुपा कर रखा जाएगा उतना ही ये खूबसूरत होती चली जाएगी। कोई आदमी कह रहे हैं मेरी साहब हमें खुल नहीं है लोगों के सामने आना है, अरे भाई केला उस वक्त तक महफूज रहता है जब तक उसका छिलका उसके ऊपर रहता है, छिलका हटा दिया जाता था तो उसके ऊपर मक्खियां लगना शुरू हो जाती। औरत पर्दे के अंदर है, महफूज है, पर्दा खुला तो मक्खियां गंदे लोग उसके ऊपर निगाहें डालेंगे, कुछ चिपकेंगे, कुछ उसको तकलीफ पहुंचाएंगे, है ना। तो औरत इसलिए ये कि मजाक बन जाए। तो अदल मियाना रवि ये इस्लाम की बुनियाद है। हर खुतबे में आमतौर पर ये आयत पढ़ी जाती है इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, अल्लाह तुमको अदल का हुक्म देता है। एक डेढ़ घंटे का बयान सिर्फ अदल पर हो सकता है। अदल किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं, बराबरी किसे कहते हैं, ये पूरा अलग मौजूद है, हमें उस पर नहीं जाना, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। तो इस्लाम पर एक बहुत बड़ा एतराज ये होता है कि मुसलमान सोशल वर्कर नहीं होते, खिदमत खल लोगों की खिदमत करने का जज्बा ये ज्यादा मुसलमानों के अंदर नहीं होता है। ह्यूमिनिटी और मानवता को फायदा पहुंचाने के जज्बात ये मुसलमानों के अंदर नहीं होते। मुसलमान तो बड़ा क्रूर, बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा कातिल, बड़ा कोई बहुत पत्थर दिल लगने वाला कोई एक प्राणी है, कोई एक ऐसी मखलूक है जो इस दुनिया में पाई जाती है, और ले देकर फिर बाघ बिचारी आगे टूटती है जिहाद पर। देखो इनके यहाँ जिहाद है। आज मैं रास्ते में सोच रहा था मोटरसाइकिल पर कि लोगों को जिहाद कैसे समझाए, तो अल्लाह ने मेरे जहन में एक मिसाल लगाई, अभी थोड़ी देर पहले, कि जो लोग कहते हैं कि मानना ये जिहाद ये गलत चीज है, तो मैं उस पर एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। एक आदमी के पित्ते में पथरी हो जाए तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, रक्त हराम हो गया है। अगर पित्ते की पथरी ना निकाली गई और ये इसी के अंदर बाकी रही तो उसके हिसक लगने से धीरे धीरे कैंसर पैदा हो जाएगा। और होता है बहुत से लोगों को कि अक्सर पित्ते की बीमारी के बाद जब पीलिया होता है तो वो बहुत एक क्रॉनिकल डिजीज के अंदर तब्दील हो जाता है। आमतौर पर ये होता है। अब डॉक्टर कहे कि देखिए आप अपना ऑपरेशन कराइए, नहीं तो आप बहुत सीरियस हो जाएंगे। तो मरीज है, आप इतने जालिम हैं, आप मेरा पेट फाड़ेंगे हैं, उसके अंदर से पित्त निकालेंगे, मेरे जालिम है ना वो, अल्लाह अफ़व फरमाए। तो वो कहे भाई मैं तो रोजाना निकालता हूँ, आप रोजाना पित्त निकालते, रोजाना खाओ तो पेट फाड़ते, हाँ मैं पेट भी फाड़ देता हूँ और भी चीजें निकालता हूँ अंदर। वो हो रे भगवान कितना जालिम आदमी है, कितना कितना इसके अंदर जुल्म समाया हुआ है, पेट फाड़ देता आदमी के। अरे मेरे प्यारे, ये जो डॉक्टर है जालिम नहीं है, ये मोहब्बत करता है तुमसे, ये तुम्हारी गंदी चीज को निकाल रहा है, जो गंदा अंदर जो तुम्हारी गंदगी है उसको निकाल के बाहर कर रहा है। कि अगर ये गंदगी ना निकाली गई तो फिर
ये गंदगी तुम्हें अंदर से बर्बाद कर देगी, बस इसी का नाम जिहाद है। जो गंदा एलिमेंट दीन की राह में और सच्चाई अमानत आदि इंसाफ बराबरी मुसावा इसकी राह में रुकावट जो बनता है, तो मेरे सलाम कहता है उदिन लिल्लजीन युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमु वा इन्नल्लाह अला नसरिहिम लकदीर। अल्लाह ने तुमको इजाजत दी है जब तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए तो फिर जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। जुल्म को दबकर सह लेना ये बुज़दिली है, ये नामर्दी है, ये पामर्दी और ये गोया के बहादुरी और बसालत और शजाहत के खिलाफ है। बस ये है जिहाद, उसकी शराइत है, उसके बहुत सारी कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह पर हाथ में कपड़ा लपेटा और तलवार लेकर निकल गए और बिस्मिल्लाह रहमान नहीं अल्लाह ऊपर, इसका नाम जिहाद नहीं। लोग समझते नहीं जिहाद क्या है, समझ ले जिहाद तो उनको ये समझ में आए कि ये आसमान से बरसने वाली बारिश की तरह है, जैसे आसमान से उतरने वाली बारिश जमीन के हर तबके के लिए फायदेमंद होती है, ऐसे ही ये जो जिहाद है ये ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है। खैर लगा तो ये एक आम तसव्वुर है कि मुसलमान मानव सेवा नहीं करते। हम इसी पर आज थोड़ी देर बात करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर फरमाया या अय्युहल लजीना आमनू रुकू वसजुदू, ऐ ईमान वालों रुकू करो, सजदा करो, वफ़अलुल खैर और खैर के काम करो। कुरान बहुत थोड़े से अल्फाज में बहुत बड़ी बातें कह जाता है, वहां कोई लंबी तकरीर नहीं होती है, इशारे होते हैं, हल्का सा इशारा दिया बात समझ जाए। वफ़अलुल खैर, हर खैर का काम करो। जो खैर की इतनी किस्में हैं कि इंसान उसको शुमार नहीं कर सकता है। क्यों करो लअल्लकुम तुफ्लिहून, मकसद ये होना चाहिए कि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। मकसद ये ना होना चाहिए कि होल्डिंग पर पोस्टर लग जाए फला साहब समाज सेवी, फला साहब सामाजिक कार्यकर्ता, फला साहब ये बड़े सोशल वर्कर। ये पोस्टर लगवाना ये शरीयत का मिजाज है, ये बिल्कुल शरीयत के मिजाज से बहुत दूर की बात है। वो इमाम अल-आदिलीन का छोटा सा वाकया कभी सुना होगा आपने कि जब उनका इंतकाल हुआ, हजरत अली के पोते हजरत हुसैन के बेटे इंतकाल हुआ, तो जब उनको नहलाया जाने लगा तो कमर पर गोलियों के निशान बने हुए थे। तो शहजादा था, हुकूमत वक्त 1,00,000 से ज्यादा दिरहम हर साल उनको हदीये में देती थी, ये रसूल आले रसूल में से। तो खोली गई गोलियों के निशान, ये इनके ऊपर गोलियों की क्या मजबूरी करते थे? नहीं। इंतकाल के कुछ दिन के बाद खबर मिली, लोगों ने कहना शुरू किया हमारे घर में कोई रात को गोली रख जाया करता था, आटा पहुंचाया करता था, अब वो आता नहीं कहाँ है। तो पता चला कि इमाम जैनुल आबिदीन अली का पोता हुसैन का बेटा ये रात को लोगों की यादव की तरह खिदमत करता है। उनका पोस्टर में समझता हूँ कभी नहीं, वैसे वो दौर भी नहीं था ऐसा, आज की तरह का दौर नहीं था, वरना तो कंबल वितरण सर्दी कंबल वितरण समारोह में फला साहब कंबल बांटते हुए फेसबुक पर तस्वीर शेयर करते हैं। इसका क्या मकसद? नीयत अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हराम है, गलत, नीयत अच्छी हो तो किया भी जा सकता है ताकि लोगों को उभारा जाए अच्छे काम पर, लेकिन हर जगह हर कदम पर अगर ये हो तो ये तो मुनासिब नहीं। तो बहरहाल कुरान का इशारा है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब चलिए कुरान की शरह, कुरान का गोया के एक्सप्लेनेशन और कुरान को खोल कर बयान किया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपकी तीन हदीसों पर गौर कर लें। पहली हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क अयादुल्लाह, पूरी मखलूक, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, सिर्फ चाइना वाले नहीं, इस्लाम का तसव्वुर आफाकी तसव्वुर है। इस्लाम में इसीलिए ये नहीं है कि मैं बस जो मेरे वतन के अंदर है, नेशनलिज्म का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। मुसलमान हूं सारा जहां मेरे लिए, सब मेरे लिए। एक मरतबा एक डच चैनल था, उसका एक वो इंटरव्यू ले रहा था मेरा, वो दारुल देवबंद में, तो उस इंटरव्यू में उसने कहा कि आपके पड़ोस के मुल्क के बारे में क्या रहा है, मुसलमानों के बारे में क्या रहा है। तो वहां पर एक ऐसे करके लकीर खींची हुई थी, तो वो इंटरव्यू लेने वाला भी गालिबन मुसलमान था। मैंने कहा कि कमाल की बात करते हैं, आप मेरे भाई हैं, आप लाइन के उस पार खड़े हैं, तो क्या आप मेरे भाई नहीं होंगे? यानी भाई हो, मैंने फिर ये सरहदें
یہ حد بندیاں یہ تو انسانوں نے کھڑی کی ہیں، اللہ کی تو پوری کائنات ہے، اس لیے اسلام میں کہیں تصور نہیں ہے اس بات کا۔ ملک سے محبت بالکل الگ چیز ہے اور ملک پرستی بالکل الگ چیز ہے۔ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ محبت تو ہم کرتے ہیں اور محبت کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہمیں کہ کوئی نیکر پہننے والا ہم کو آ کر سرٹیفکیٹ دے کہ آپ کے اوپر ہم دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی اتھینسٹی پیش کریے کہ آپ کتنے بڑے دیش بھکت ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرا اسلام میں تصور عام ہے، الخلق عیاد اللہ، پوری مخلوق کوئی ہو، روس کا ہو، چائنا کا ہو، جاپان کا ہو، کالا، گورا، عربی، اجمی، ابشی، چاہے کوئی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ آگے فرمایا فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیالی، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے اس پورے کنبے کے ساتھ، اللہ نے اپنا کنبہ کہا ہے پوری مخلوق، اس کنبے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے۔ لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب پریشانی میں پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ پریشانی اس لیے کہ ہمارے پاس دینی تربیت نہیں ہے، پریشانی یہ کہ ایک آدمی کوئی سماجی کارکرتا بنا، اس نے بڑا کام کھڑا کر دیا، اب وہ دین کی سرحدوں کو پار کرتا ہوا بس یہ کہنے لگتا ہے مانو سیوا ہی بس اصل ہے۔ نہ نہ، غلط کہہ رہے ہیں آپ، بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں آپ۔ مخلوق کی خدمت بہت عظیم و شان کام ہے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہنے لگے کہ یہی دین ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، لیکن یہی دین ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غیر حقیقی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے 3 مہینے 2.5 مہینے پہلے ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا جن کے نام سے ای ڈی فاؤنڈیشن تھا، ہے نا، میں ان کا نام نہیں جاننا سے سمجھتا ہوں، ان کے نام سے ای ڈی فاؤنڈیشن تھا۔ تو وہ بہت بہت مخلوق کی خدمت کی، بہت اچھے کام کیے، بڑا ان کا فاؤنڈیشن بن گیا، بڑا ان کا ادارہ بن گیا، کئی 100 ایمبولینس ہو گئی، ایئر ایمبولینس ان کے پاس آ گئی، دنیا جہاں کی نعمتیں۔ لیکن کوئی بات تربیت نہیں تھی، مخلوق کی خدمت کا جذبہ تو تھا، تربیت نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے قربانی کی کیا ضرورت ہے، ان بکروں پر چھری چلانے کی کیا ضرورت ہے، اس پیسے کو اگر غریبوں کے لیے دے دیا جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ میں نے تقریب کے دن اس بات کو واضح کیا تھا کہ جتنے لوگ، خاص کر مسلمان، غیر کرے اعتراض کوئی بات نہیں، جتنے لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں یہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ آپ کی ملک کی اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کسان نے پالا، یعنی بکرے پالنے والوں نے بکرا پالا، ایک مشت رقم ان کو ایک مرتبہ میں ملی، ان کا فائدہ۔ پھر اس کے بعد اس کو لانے کے لیے ٹرک کا استعمال ہوا، گاڑی کا استعمال ہوا، اس کو کرایہ ملا، اس کا کرایہ اس کو آگے لے جا رہا ہے۔ پھر یہ منڈی میں آیا تو منڈی میں آ کر بیچنے کے لیے دلال لگے، دلالوں کا فائدہ۔ پھر یہ اٹھ کر گھر میں گیا، قربانی ہوئی تو ہمارے قریشی بھائی جو قربانی کرتے ان کا فائدہ۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، اس کی کھال اتری، کھال اترنے کے بعد شریعت نے حکم یہ دیا کہ کھال تم اپنے استعمال میں لو تو لے لو، یا نماز بنا لو، پیر کے موزے بنا لو، کچھ بھی کر لو، کر سکتے ہو، لیکن اگر اسے بیچو گے تو اس کا جتنا پیسہ ہوگا غریبوں کو دیں گے۔ کس کا فائدہ ہوا؟ غریبوں کا فائدہ ہوا، یعنی عام پبلک کا فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کروایا، اپنے لیے، رشتے داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور غریبوں کے لیے، پھر غریبوں کا فائدہ ہوا۔ تو اس میں نقصان کہاں ہے؟ چاروں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے، ملک کی اکانومی آگے جا رہی ہے، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ اعتراض اسلام پر ہے، اعتراض قربانی پر نہیں ہے، اسلام پر اعتراض ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کتنے جانوروں کو کتنی بلیاں دے کر، کتنی، آپ دیکھیے جا کر جو رسوم ہوتی ہیں ہمارے برادران وطن کے یہاں، کتنے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا ہے؟ کوئی جا کر پوچھتا ہے کہ ان کا گوشت کہاں جاتا ہے؟ سر پھینک دیا، کاٹا پھینک دیا۔ ہم پھینکتے نہیں ہیں، ہم تو ہڈی بھی چبا جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ چاند کے ساتھ اگر ہڈی تھوڑی آتی ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں،
अभी भी अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह के लिए है। आज भी हर मुसलमान के घर से खुशबू आ रही होगी अमीरों की गली। चांपों का दौर चल रहा है, कबाबों की दावत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज खा लेते, बेटा भी नहीं देते वो भी उसकी रकम की क्षमता कर देते, ये अपने पास इस्तेमाल में ले आते, कोई चीज सीन का इस्तेमाल वो भी कर लेते, एक एक चीज इस्तेमाल करते, हम किसी चीज को बर्बाद नहीं करते, है ना। अब आगे चलते हैं, इस मखलूक के साथ क्या मामला करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब और गरीब बात फरमाई, ये फरमाया कि असाई अदल अरमलती वल मिस्कीन, किसी बेवा औरत के लिए, किसी कमजोर खातून के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए कोशिश करने वाला, किसी कमजोर औरत के लिए कोशिश करने वाला क्या फरमाया, कसाई फी सबीलिल्लाह, ये ऐसा है जैसा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। और अल्लाह के रास्ते के जिहाद का सवाब सिर्फ एक बात इशारा करो, जो सरहद की निगरानी करते हैं ना, जो नौजवान मुसलमान जो निगरानी करते हैं इस्लामी सरहदों की, कुरान में फरमाया, वो हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रात वो आंख जो अल्लाह की याद से रोई हो और वो आंख जो सरहद इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए जगी हो, उन दोनों पर उन दोनों जिस्मों पर जहन्नम किया हराम है। तो मिस्कीन और जरूरतमंदों के फायदा पहुंचाने का इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब, हैरत में पड़ जाता है इंसान। आगे हदीस में रावी फरमा रहे हैं, अहसिबुहु, मुझे ये बात भी याद पड़ती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने ही नहीं बल्कि और आगे सुनो, और आगे की बात सुनो, ये फरमाया कि मैं ये गुमान करता हूं इस लोगों की मदद करने वाले का सवाब और गरीब यतीम बेवा मिस्कीन और जरूरतमंदों के काम आने का सवाब, मैं ये समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो ऐसा है जैसा कि दिन में रोजे रखने वाला और रात को पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े होने वाला, इसका सवाब कितना बड़ा है। लेकिन कोई ये कहने लगे कि साहब चूंकि मैं समाज सेवी हूं, मैं लोगों की मदद बहुत करता हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूं, ये गलत है। नमाज छोड़ दो तो बंदगी है, ये खिदमत है, ये बंदगी है। कोई कहने लगे मुझे इसकी वजह से कुरान की तिलावत का वक्त नहीं पाता, नहीं ये भी गलत है। कुरान की तिलावत भी करें, जिक्र भी करें, इबादत भी करें, दुआ भी मांगे, सदका भी दे, और अगर हैसियत सकात भी दे, लोगों के काम भी आए, खिदमत भी करे, सब करे, सारे काम मुसलमानों के हैं, ये सारे काम मेरे और आपके लिए करने के हैं। कितना बड़ा, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताओ, कितना बड़ा अजर मिलता है किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने पर, किसी बेवा की जरूरत को पूरा, कितना बड़ा सवाब है। एक औरत थी जो जवानी में बेवा हो गई और उसके घर पर दो बच्चे, यतीम बच्चे थे, तो वो अपने जहाँ रहती थी अपने ससुराल में, वो दूसरे शहर आ गई और उसने अपने बच्चों को मकतब को मदरसे के अंदर बैठाया और बैठाने के बाद उसने सोचा कि इनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, और वो वहाँ से चली और चलते हुए रास्ते में एक दीनदार मुसलमान मिला, तो उसने उस दीनदार मुसलमान से कहा कि देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बेवा हो गई और मैं आले रसूल में से हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की औलाद में से। तो वो मुसलमान जो था उसने फौरन जवाब में कहा कि तुम्हारे पास आले रसूल से होने का कोई सर्टिफिकेट सबूत है। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो सबूत नहीं, ये बात कही और उसने कहा फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उसने सर झुकाया और चली। सही लोग मांगते कम है, जो वाकई जरूरतमंद होते हैं वो मांगते कम है, और अक्सर मांगने वाले, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर मांगने वाले ये प्रोफेशनल होते हैं, ये जरूरतमंद नहीं होते। बात अच्छी तरह समझिएगा, जो सही लोग वाकई हकदार होते हैं वो इज्जत नफ्स की वजह से सवाल नहीं करते। ला यसअलुन्नास इल्हाफा, कुरान में वो लोगों से लग लिपट कर सवाल नहीं करते।
लेकिन जो लोग आमतौर पे मानते हैं, आमतौर पर मानते वो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन हमारे लिए हुक्म ये है कि अगर कोई सवाल करने वाला घोड़े पर बैठ कर गया है और सवाल करे तो उसका सवाल पूरा कर दो, और गुमेंट न करे तुम कमाओ, तुम ये करो, तुम फना करो, तुम कौन हो, तुम घोड़े पर आ रहे हो, तुम गाड़ी पर आ रहे हो, सवाल करो, ये आप दे सकते हैं थे, लेकिन भाई माफ करो। खैर ये औरत आगे चली, आगे इसको एक मजूसी मिला, मजूसी आग का पुजारी, तो इसने अपनी जरूरत उसके सामने, बिल्कुल मेरे बच्चे भाई कह रहे मैं आपकी मदद ही नहीं करूंगा, मैं आपको अपने घर में पना दूंगा। घर में पना बात तो आई नहीं हो रही, दीनदार साहब अपनी जगह, ये मजूसी अपनी जगह। ये दीनदार साहब थे, ये एक दिन सोए और खाक में इन्होंने ये देखा कि कयामत कायम हो गई, और कयामत का बड़ा शोर है, और उसी में उन्होंने देखा एक बड़ा आलीशान शानदार महल बना हुआ है। तो ये आगे बढ़े उस महल के करीब, तो देखा कि सरवरे आलम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है। उन्होंने सलाम किया, या रसूलुल्लाह ये महल किसका है? कहा ये महल एक मुसलमान मुआहिद का है, एक कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले का है। या रसूलुल्लाह वो तो मैं भी हूँ, मुसलमान तो मैं भी हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दिखाओ, अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दिखाओ। अब मुसलमान होने का सर्टिफिकेट तो किसी के पास होता नहीं, तो दिल की बात है। ये खामोश हो गए, या रसूलुल्लाह किसका है? कि ये मुसलमान मुआहिद का है। बात तो आई नहीं हो गई, इनको समझ में नहीं आया। अब इनको जो सर्टिफिकेट की बात आई तब भी नहीं याद आया, वो मैंने जो उस औरत से सर्टिफिकेट मांगा था शायद ये उसी का बदला है। अब ये निकले और पूरे शहर के अंदर उस औरत को तलाश करते करते पूछते पाछते उस मजूसी के घर पहुंच गए, उससे सलाम दुआ किया, और सलाम दुआ करने के बाद कहा कि तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर एक कोई औरत, मैंने सुना है औरत है, हाँ मेरे घर के अंदर एक मुसलमान औरत है। कहा अच्छा, कि उसको मेरे हवाले कर दो, मैं मुसलमान हूँ। कहा नहीं, मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। कहा क्यों? मैं मुसलमान हूँ। कहा कि उसके आने की खैर और बरकतें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और उसकी वजह से मैंने ईमान कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अच्छा मुसलमान हो गया? कहने असल में मैं तुम्हारे पास लेने क्यों आया था कि रात को मैंने ख्वाब देखा, उसने अपना ख्वाब रखा, रात को यही ख्वाब मैंने देखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुमने एक गरीब बेवा यतीम जरूरतमंद की मदद की है, इसके बदले में ये जो महल सामने वाला है ये तुम्हारे लिए है, और ये इसके अंदर जब तुम मर के आओगे तो ये तुम्हारा ही काम आता है। ये क्या थोड़ा सा अपने घर में पना दे दी, थोड़ा सा खिला दिया, उसकी खबर के लिए इतना बड़ा अज्र है इसका कि इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता है। एक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक इलाके में से हुआ, और उस इलाके में लोगों ने देखा कि एक आदमी है जो इबादत करता है, तो बड़ा नेक आदमी है, हर वक्त इबादत करता रहता है। ईसा अलैहि सलाम उसके पास पहुंचे, सलाम दुआ किया, और भाई खैरियत से हो, क्या करते हो? हजरत बस में तो दिन रात अल्लाह अल्लाह करता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, लेकिन ये बताओ तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारे खर्चों को कौन पूरा करता है? कहो मेरा एक भाई है जो खेती करता है, पैसे कमाता है, और लाकर मेरी भी जरूरत पूरी करता है, अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। तो आप अलैहि सलाम ने फरमाया, ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारा वो भाई जो मेहनत करके तुम्हारी भी कफालत करता है, बीवी बच्चों की भी कफालत करता है, वो तुमसे ज्यादा अफजल है, वो तुमसे ज्यादा अफजल है। तो ये वाकयात, ये अहादीस, ये साफ तौर पर बता रही है कि खिदमत कितनी बड़ी चीज है जिसका अंदाजा मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए नहीं हो सकता है। बेपनाह अज अल्लाह ताला ने छुपा कर रखा हुआ है, और वो जो कई मतलब आपने सुनी होगी वो हदीस के जो हदीस कुर्सी है कि कल कयामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद होंगे और किसी से कहेंगे मेरे बंदे में भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया, अल्लाह आप भूखे कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो जो तेरे पास एक भूखा आया था अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे उसी के पास पाता। मेरे बंदे में पैसा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया,
प्यास से भरी है। नहीं नहीं मुझे प्यासा तेरे पास आया था, अगर तू पानी पिलाता तो तू मुझे उसी के पास पाता। मेरे बंदे मैं तो बेकपड़ों के था, आम बिना कपड़ों के कैसे, आपको कपड़ों की क्या जरूरत। हाँ मुझे तेरे पास एक फटे चिथड़े पहना हुआ आया था, अगर तू उसे कपड़े पहना देता तो तू मुझे उसी के पास पाता। ये कम बड़ी शहादत की बात नहीं है कि इंसान दीन पर चलते हुए अमल करते हुए अपने आप को खिदमत खल्क के लिए लगाए। अजीब व गरीब हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एक अजीब व गरीब हदीस में बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि मन नफस अल मुमिन कुर्बतम मिन कुरब दुनिया, जो कोई किसी ईमान वाले से कोई छोटी सी भी तकलीफ दूर कर लेगा, मीटर का बिल ज्यादा आ गया बेचारा परेशान है शरीफ आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हारा काम करवा, गलत मुकदमे का नोटिस आ गया दूसरा है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ काम करवा, पड़ोसी परेशान कर रहा है कर्ज दे रहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ कर्जा दिलवाता हूँ, पास में समर में पानी नहीं आ रहा मिस्त्री नहीं मिला वो गया मैं लाता हूँ, वो गया दूर जाकर समर के मिस्त्री को लाया उसका समर बता दिया, किसी के यहाँ शादी ब्याह किसी तरह का मौका आप जाकर खड़े हो जाइए और खड़े होकर मेरे लायक कोई खिदमत तो बताइए, वो आपसे खिदमत करने के लिए नहीं कहेगा बिल्कुल, क्योंकि खिदमत करने वाले उसके पास अपने मौजूद होते हैं घर खानदान वाले, लेकिन आप जाकर खड़े हो गए आपने इतना जुमला कह दिया आप बताइए मेरे लिए कोई खिदमत हो, तो बस इतना कहना उसके दिल को आपके लिए आईना बना देगा, मोहब्बत के जज्बात मोहब्बत के पौधे मोहब्बत की क्यारियां उसके दिल के अंदर लग जाएगी। ये छोटे छोटे काम है जिनसे मोहब्बत पैदा होती है। और फिर फरमाया मयसर आला मुहसिन, जो किसी ईमान वाले के लिए आसानी पैदा करता है आसानियां पैदा करता है तो फिर अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करते हैं। इसलिए देखिए गौर करिएगा जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब और सुन्नत के साथ खिदमत खल्क भी करते हैं तो अल्लाह उनके कदमों को जमीन पर जमा देते हैं। गैरों में भी जो लोग इस तरह के काम अंजाम देते हैं अल्लाह ताला मखलूक को उनके करीब कर देता है, मखलूक उनके करीब आ जाती है। ये आप खुद गौर करिएगा या जी बहरहाल नजात के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी काफी, आदमी के कामयाब होने के लिए तो अगर वो सिर्फ नमाज पढ़ता रहे और अपने जिम्मे जो जरूरत है उनको पूरा करे तो भी इंशाल्लाह उसकी नजात हो जाएगी, अगर वो रोजे रखे दीन के छोटे छोटे कामों को करे वो भी नजात हो जाएगी। लेकिन मसला इसका नहीं है, मसला इसका है कि अल्लाह नजात भी अदा फरमा दे और अल्लाह राजी हो जाए। मगफरत तो वो किसी बहाने से भी कर सकते हैं, एक मुहद्दिस है कलम से लिख रहे हैं लिखते लिखते एक मक्खी आकर कलम पर बैठ गई तो कलम को रोक दिया ऐसे करके, थोड़ी देर बाद वो उड़ गई फिर लिखना शुरू कर दिया, इंतकाल हुआ किसी ने ख्वाब में देखा अरे हजरत आपके साथ तो क्या आप तो बड़े दर्जात होंगे कैसे मगफरत हुई, काम कुछ काम ना आया एक दिन बैठे हुए हदीस लिख रहा था उस हदीस लिखने में मक्खी आई ऊपर कलम उठा दिया कि ये आराम से इसके यानी जो स्याही है इसको चूस ले, सेठे का कलम था इसको चूस ले, उसकी मैंने इतनी फिक्र की अल्लाह ने फरमाया मेरी मखलूक की फिक्र की जहां मैंने तेरी मफरत कर दी, तो मफरत तो इतने पर भी हो जाएगी। सबके उस्तार है शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुल्ला महमूद मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने देखा काम में काजल नफरत हो गई कहा हो गई क्या किस वजह से हुई, कहा एक मरतबा मेरे सामने खिचड़ी लाई गई खिचड़ी के अंदर नमक ज्यादा था, मैंने सर झुकाया खिचड़ी को खाया और खाने के बाद ना अपनी बीवी से कुछ कहा न किसी और से कुछ कहा खामोशी से खा गया। अल्लाह ने फरमाया तूने खाने के अंदर ऐब न निकाला, खाने के अंदर ऐब निकालना ये सुन्नत के खिलाफ है, ऐब हो खामोश हो जाइए छोड़ दिए हट जाइए, तूने इस सुन्नत पर अमल किया जाओ मैंने तुम्हारी मगफरत कर दी, तो मगफरत तो इससे भी हो जाएगी, मगफरत के लिए तो छोटी छोटी चीजें काफी हैं। लेकिन हमारे बड़े फरमाया करते हैं कि आदमी को हर तरह के काम करने चाहिए, नमाज भी पढ़े जिक्र भी करे तिलावत भी करे ज़कात भी दे सदका भी दे खिदमत खल्क भी करे लोगों के काम भी आए सब काम करे तमाम काम करे, अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए उसी बहाने से मफरत हो जाए। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी खिदमत खल्क लोगों की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए और लोगों के काम आने वाला बनाए, लोगों के काम आने वाला बनाए। बड़ों ने लिखा है और हदीस का मफहूम है कि एक खिदमत ये भी है कि लोगों को तकलीफ न दी जाए, ये भी खिदमत है कि लोगों को तकलीफ न दी जाए बहुत बड़ी खिदमत है,
हम लोग वैसे इस खिदमत को अंजाम नहीं देते, हम तो जी भर के तकलीफ पहुंचाते हैं लोगों को। कमेंट कोई हमारे कमेंट सुन कर देंगे ऐसे जबरदस्त कमेंट कि आप हैरान हो जाएंगे। एक मतलब है, एक शहर के एक इलाके से मेरा गुजर हो रहा था, फिर एक साथ पीछे से कमेंट कर रहे थे, यार ये मुल्ला बड़े खूबसूरत हो गए भाई, यार बड़े ही देखो कितना चमक रहा है इनका चेहरा क्या। और कहने वाला कोई और नहीं था, हमने ईमान वाला भाई था, है ना। ये कमेंट क्या कहने, सुभानअल्लाह हमारे कमेंट्स के, तो ऐसे कमेंट करके लोगों के दिलों को तोड़ना, लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, अगर ये ना करें ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत हमारे यहाँ वैसे इस खिदमत यानी को अंजाम देने के लिए हर वक्त पटिया आवाज रहती है, हर वक्त तकलीफ। अब देखिए शादी का मौसम है माशाल्लाह, अभी देखिए आप हमारी तरफ चले जाइए, जिस गली में शादी होगी आला दर्जे के चार डिब्बे रखे होंगे, बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जाएगी, लोगों को तकलीफ देने की आला दर्जे की खिदमत मौजूद, हर वक्त मौजूद। रात एक शाम के गए थे तो सुबह 8 बजे थे, आगे सो के निकले थे, मैंने कहा भाई मैं दोस्तों में लग रहा, मैंने कहा माशाल्लाह सुबह सोइए खूब बरकतें हासिल करिए, मैंने कहा भाई क्यों सोते हो यार, अजीब बात नहीं सुबह सोना नौसत है। कहने मौलाना साहब पीछे शादी थी रात में, माशाल्लाह पूरी रात रिकॉर्डिंग हुई है। कहने 4 मरतबा पुलिस का नंबर मिलाया, मिला नहीं, मिलता तो मैं आज इसकी FIR कराता। कितनी आला दर्जे की खिदमत है ना आपके। अभी इसी बकरीद के मौके पर देखा होगा आपको, जगह जगह खिदमत के लिए डिब्बे रखे होंगे, कैद रखे होंगे। एक जगह से तो गुजर हुआ, 3 लड़के बैठे थे मोबाइल लगाकर, उसके अंदर तार लगाकर, ग्रिल लगाकर बैठे, उनको जोर से गाने सुने, भाई तुम्हें गाना सुनना है, आपको शौक है, इस दुल्हन की आदत अगर पड़ गई है तो अल्लाह से तौबा करिए, माफी मांगिए, नहीं छूट रही है, कमरे में जाके सुन लो, तन्हाई में सुन लो, तन्हाई का गुनाह होगा, तन्हाई में अल्लाह से माफी मांग लोगे माफी हो जाएगी, चौराहे पर गुनाह करोगे तो फिर सरेआम तौबा का इजहार करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्त सारे लोगों की खिदमत ये भी है कि हम कम से कम लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं, करेंगे भी सभी इंशाल्लाह, अल्लाह हमें लोगों के लिए फायदेमंद करने वाला बनाए, लोगों को तकलीफ देने से बचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। مولاي صلِّ وسلِّم داعي من